आप ऋषि वास्तु, जैसा कि इस चैनल पर आप क्लास नर्सरी और एलकेजी के बच्चों का ऑल सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, वर्कशीट्स कि डेली बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किस तरह से घर पर प्रिपरेशन कराएं, कैसे कैसे होमवर्क दें, किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, हम इस चैनल पर बताते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि मैम यूकेजी के बच्चों के लिए भी बना दीजिए, तो यूकेजी के बच्चों के लिए मैंने इस तरह से बनाया है कि आप अपने बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रिपरेशन कराना है कि स्कूल ओपन होने के बाद बच्चों को बर्डन ना पड़े। तो यूकेजी के बच्चों को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में बच्चों को आज मैंने दिया हुआ है राइट कर्सिव लेटर A to Z। बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को कर्सिव लेटर आता है ए से लेकर जेड तक, और स्मॉल लेटर ए से लेकर जेड तक। अगर आपके बच्चों को कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक आता है कर्सिव लेटर, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो है। तो आज आप बच्चों को कर्सिव लेटर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेबस अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो डेली बच्चों को क्या क्या टीच करना है मैं आप लोग को बताऊँगी। इस तरह से आप पूरी यूकेजी के बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपरेशन करा देंगे कि स्कूल ओपन होने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज मैंने फर्स्ट डे बच्चों को कर्सिव लेटर दिया है। तो आज आप अपनी कॉपी में डेट डाल करके बच्चों को कर्सिव लेटर कराएंगे A to Z एंड A to Z स्मॉल लेटर। अगर आपके बच्चे को आता है तो अच्छे से करेगा, जिस बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। आप इस तरह से ट्रेस बुक ले लेंगे और बच्चे को कई बार इस पर प्रैक्टिस कराइए ए से लेकर जेड तक। जब बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, अगर बच्चे को नहीं आता है, उन बच्चों के लिए है ये, आप इस तरह से ट्रेस वाला ले लीजिए, उनकी बुक में होगा, क्लास LKG की बुक में भी उनको मिल जाएगा। अगर वो बच्चे स्टडी किए होंगे क्लास LKG, तो LKG के बच्चों की भी बुक में कर्सिव बुक होती है, आप वो बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, और UKG के बच्चों को भी ये बुक्स मिलती हैं। तो आप इस तरह से इस बच्चों को ट्रेसिंग कैपिटल लेटर, इस तरह से बच्चों को आप ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर की एंड स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस कराएंगे। देन है हिंदी। हिंदी में मैंने जैसे बताया है कि इस चैनल पर जिस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ वो सब सिलेबस अकॉर्डिंग होता है। तो आप हिंदी की कॉपी में हिंदी कराएगा, इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश। इस तरह से जब आप हिंदी की कॉपी में हिंदी कराएंगे, तो आज का मेरा पहला होमवर्क है क से लेकर यहाँ तक आ की मात्रा, क्योंकि UKG में बच्चों को मात्राएँ सिखाई जाती हैं, मतलब स्वर का अभ्यास कराया जाता है। तो हम बच्चों को स्वर का अभ्यास कराएंगे, जिसमें पहला हमारा होगा आ की मात्रा लगाना। तो आ की मात्रा क से लेकर यहाँ तक बच्चे लगाएंगे, कुछ इस तरह से क से लेकर यहाँ तक राइट कर देंगे। आई विल शो यू। क, ख, ग, घ, और फिर वहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा का, खा, गा, घा, इस तरह से। इस तरह से बच्चे का, खा, घा की मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाने के बाद बच्चे इसे क से लेकर ज्ञा तक आ की मात्रा को बच्चे कई बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क से लेकर ज्ञा तक लगाने के बाद जैसे बोलेंगे का, खा, गा, घा, और उसके बाद से बच्चे आ की मात्रा से शब्द बनाएंगे, जैसे जस्ट लाइक दिस, का, का, काका, चा, चा, चा चा, इस तरह से आ की मात्रा से बच्चे 10 शब्द बनाएंगे, जो कि वो अपने दिमाग से बनाएंगे। ओके, देन नंबर्स नेम आता है बच्चों को 1 से लेके 100 तक। देखिए, मुझे लगता है 1 से लेके 50 तक बच्चों को नंबर्स नेम अच्छे से लर्न होगा। अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कराना स्टार्ट कर दीजिए, और नंबर्स नेम 1 से लेके 50 तक UKG के बच्चों को लर्न करा के आज कॉपी में राइट करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चे नीट एंड क्लीन राइट करें, राइटिंग जितनी ही अच्छी होगी उतने ही अच्छे बच्चों के मार्क्स आते हैं। तो आज तो UKG का बच्चों का यही होमवर्क होगा, और आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को डेली मैं होमवर्क बच्चों को शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं वीडियो और UKG के बनाऊँ बच्चों के लिए, सिलेबस के लिए, सिलेबस अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।